हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गेहूं के आटे और आलू से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे, जो कि समोसे और कचौड़ी से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। अब हम आलू की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के मैश किए हुए लिए हैं आलू। इसमें ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च का पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी हींग, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। और इस तरह से चटपटा सा आलू का मसाला बनाकर हम तैयार करके रख देंगे। आटा हमने पहले से ही गूंथ कर रख लिया था, नमक, अजवाइन और घी डालकर। अब आटे में से हम एक बड़ी लोई लेंगे और इस तरह से हम उसकी लोइयां तोड़ेंगे। जिस तरह हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं, उतनी बड़ी आप लोई लें। और सूखा आटा लगाकर इसे आप रोटी के साइज के बराबर बेलें। तो ये जो एक रोटी हमने बेली है, इसी तरह से हमें 3 रोटियां बेलकर तैयार करनी है। तो तीनों ही रोटी हमने बेल ली है। अब हम एक बेली हुई रोटी लेंगे और उस पर लगाएंगे अच्छे से घी। थोड़ा सा सूखा आटा इस पर छिड़क देंगे और दूसरी रोटी इस पर रखेंगे, उस पर भी हम घी लगा देंगे, सूखा आटा लगाएंगे। फिर हम तीसरी रोटी लेंगे, ऊपर से रखेंगे, उस पर भी हम घी लगाएंगे। और फिर थोड़ा सा इसे हम फिर से बेलेंगे ताकि आपस में तीनों रोटियां अच्छे से चिपक जाएं। फिर ऊपर से इस तरह से हम रोल करेंगे और इसका एक लंबा सा रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। और इस रोल के जो किनारे हैं उन्हें हम कट कर देंगे। फिर हम इसके स्लाइस कट करेंगे। इतने बड़े बड़े आप इसके स्लाइस कट कर दें। और फिर हम एक स्लाइस को लेकर उसे गोल करेंगे। अब हमें इसे थोड़ा सा बेलना है, तो इस तरह से आप इसकी पूड़ी बेल लें तो ये लेयर वाली पूड़ी बन जाएगी। तो इसी तरह हम और भी पूड़ियाँ बेलकर तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ बेल ली हैं, थोड़ा सा इन्हें हम और बड़ा करेंगे। और फिर इसके सेंटर में हम आलू की स्टफिंग रख देंगे और फिर हम थोड़ा सा पानी लगा देंगे चिपकने के लिए। और ऊपर से और नीचे से इस तरह फोल्ड करेंगे। दोनों साइडों को भी हमें फोल्ड करना है और हल्का सा हाथों से रोल करते हुए इस तरह से छोटा सा इसका हम रोल बनाएंगे। तो इसी तरह हम सारे बनाकर तैयार करके रख लेंगे पहले। तो यहाँ पर हमने कुछ तैयार कर लिए हैं रोल बनाकर, अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर फ्राई करने के लिए तेल गर्म है, सावधानी के साथ इन्हें तेल में डालेंगे। गैस का फ्लेम लो कर देंगे और धीमी धीमी आँच पर इन्हें फ्राई होने देंगे। अभी हम इन्हें पलटेंगे नहीं, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तभी हम इन्हें पलटेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से अच्छे से ये सुनहरे हो चुके हैं। थोड़ा सा इन्हें और फ्राई करना है। तो अभी अच्छे से फ्राई हो गए हैं दोनों ही साइड से, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बने हैं। तो बस इन्हें प्लेट में निकालेंगे। अब आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार है। इसे आप चटनी या सॉस के साथ सर्व करें। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।